नमस्कार सभी किसान भाइयों को। तो जैसा आप देख सकते हो, आज हम डिटेल रिव्यू करेंगे मेसी फर्गुसन 275 DI जो कि पेलेंट्री प्रेस के साथ ही आता है ट्रैक्टर, लेकिन ये 40 HP ट्रैक्टर है, ना कि इनका 50 HP ट्रैक्टर। ठीक है, इसके साथ जो भी फंक्शंस कंपनी ने दिए है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, वीडियो बना करके दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो जैसे हम शुरुआत कर लेते हैं टायरों से ही, तो उसके आगे के टायर जो मिल जाते हैं 616 के मिलेंगे, इधर देख सकते हो आप। और हम पीछे के टायरों की बात कर लेते हैं तो इस ट्रैक्टर के अंदर 13, 6, 28 के टायर मिलेंगे, 14, 9, 28 के भी टायर का आप ऑप्शन ले सकते हो। अगर हम बात कर लेते हैं इसकी एक्सल की, तो इसका आगे का एक्सल जो मिल जाता है फ्रंट एक्सल, ये नॉन एडजस्टेबल मिलेगा, लेकिन हैवी ड्यूटी के साथ मिलता है, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा बिल्कुल, कोई इसमें घुमावदार मुड़ाव नहीं है। अगर हम बात कर लेते हैं इसकी पावर स्टीयरिंग की, तो इसमें बैलेंस्ड पावर स्टीयरिंग मिल जाता है ट्रैक्टर के अंदर। आप अगर बिना पावर स्टीयरिंग का चाहते हो, वो भी मॉडल इसमें अवेलेबल हो जाता है। बैलेंस्ड पावर स्टीयरिंग का बेनिफिट ये होता है, दोनों साइड इसमें रोड चलती है और ट्रैक्टर के अंदर लंबे समय तक कोई घिसावट, कोई गलावट वगैरह नहीं आती। ठीक है ना। अगर हम बात कर लेते हैं इसके आगे की बुलगार्ड की, तो लगभग 60-70 किलो का कंपनी फिट वेट मिल जाता है। तो अगर हम आगे के फेस की बात कर लेते हैं, तो इसके फेसिया कुछ इस तरह का मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार लगता है। और मेसी फर्गुसन के जो बड़े ट्रैक्टर आते हैं 9500 वगैरह, उस तरह का लुक लगता है देखने में, बड़ा ही शानदार सिल्वर कलर का ग्रिल मिलेगा आगे का, और बहुत ही अच्छा लगता है। तो राइट हैंड साइड पर मिलने वाली चीज़ के बारे में आपको बता देता हूँ, इस ट्रैक्टर के अंदर देख सकते हो ऑल इमर्स डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं पैर के एक्सीलेटर के साथ साथ। ठीक है ना। और अगर हम इसके गियर रेशियो की बात कर लेते हैं, इस ट्रैक्टर के अंदर 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स मिल जाता है। हाइलो के साथ मिल जाते हैं 10 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स, यानी कि 12 गियर में ट्रैक्टर मिल जाता है ट्रैक्टर अपना। अगर हम बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो हम दूसरे साइड में चल के बात करेंगे इस बारे में। ठीक है ना। अगर हम बात कर लेते हैं इसी ट्रैक्टर के, पहले डायमेंशन के बारे में बताता हूँ, यानी कि लंबाई चौड़ाई जितनी भी है ट्रैक्टर की। तो सबसे पहले इसकी अगर हम बात कर लेते हैं लेंथ की, तो 3320 mm तो ट्रैक्टर लंबा है, यानी कि ओवरऑल ट्रैक्टर की लेंथ जो है 3320 mm है। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करते हैं, तो 1690 mm चौड़ा ट्रैक्टर है ओवरऑल। अगर हम बात करते हैं इसकी हाइट की, तो 2205 mm ट्रैक्टर का ऊंचाई है। और इसकी ट्रैक्टर की अगर व्हील बेस की बात करते हैं, तो 1765 mm ट्रैक्टर का व्हील बेस है, यानी कि दोनों पहियों के बीच की जो दूरी है। और अगर इसकी हम बात कर लेते हैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 340 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और उस ट्रैक्टर की जो वजन की बात करें, तो 1880 किलो का ट्रैक्टर का वजन है इसका। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन थी। अब हम बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। ट्रैक्टर की टॉप स्पीड की अगर हम बात करें, तो 40 km/h की टॉप स्पीड ट्रैक्टर निकल कर आती है। पेलेंट्री ड्राइव ट्रैक्टर है, पेलेंट्री प्लस। ठीक है ना। 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है, बॉस का इनलाइन पंप मिल जाता है। ठीक है ना। इसके अगर इंजन की सीसी की बात करते हैं, तो सीसी इसकी निकल कर आती है जी 2700 cc का इंजन है। और इस ट्रैक्टर की जो रेटेड आरपीएम इंजन के, वो 2200 rpm 40 HP का ट्रैक्टर है। ठीक है। और इस ट्रैक्टर का देख सकते हो बैटरी बॉक्स इधर दे रखा, बहुत ही शानदार जगह कर रखा कंपनी ने। ठीक है। और इसमें देख सकते हो वाटर सेपरेटर के साथ साथ 2 डीजल ऑयल फिल्टर मिल जाते हैं पीछे की ओर। ठीक है। इंजन ऑयल फिल्टर इधर मिल जाता है इस ट्रैक्टर का। आगे का देख सकते हो चूल्हा भी काफी हैवी ड्यूटी कर दिया कंपनी ने, और ऊंचे पायदान के साथ ट्रैक्टर है ये। ठीक है ना। 1 फुट स्टेपर मिल जाता है, डुअल क्लिच ट्रैक्टर मिलता है, सिंगल क्लिच का भी ऑप्शन है अगर आप सिंगल क्लिच के साथ जा रहे हो, बेस मॉडल होगा वो। ठीक है। और इधर से तो ट्रैक्टर के अंदर यही मिल जाता है। आइए दूसरी साइड से दिखा लेता हूँ ट्रैक्टर में क्या है, फिर पीछे चलते हैं। तो जैसे हम राइट हैंड साइड पर आ चुके हैं, तो इसके इंजन का देख सकते हो, इसमें सैमसंग का इंजन इस्तेमाल करती है कंपनी, T3A S325.5, यानी कि ये ट्रैक्टर 2700 cc का, अगर ये 0.1 होता तो 2500 cc इंजन होता। इसमें कई तरह मॉडल आते हैं इंजन में। अगर इसके हम PTHP की बात कर लेते हैं, तो इसमें PTO किलोवाट में लिख दिया 30.5। अगर हम HP में कन्वर्ट करते हैं, तो HP में आएगा नीचे लिख रहा होगा वीडियो के, वो मैं आपको उसमें शो कर दूंगा, उसमें देख लेना कितनी HP में आता है। और इसकी जो SFC की बात करते हैं, 265 SFC मिलती है, यानी कि डीजल देख सकते हो ग्राम किलोवाट में आती है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ क्लियर करके, थोड़ा सा 265 ग्राम किलोवाट आती है, और PTO जो है किलोवाट में 30.5 है। ठीक है। और अगर हम इसकी बात कर लेते हैं सीट की, और डिलक्स सीट मिल जाती है, देख सकते हो। ठीक है। डिलक्स सीट के साथ ट्रैक्टर मिलेगा, और सीट को उसकी एडजस्ट कर सकते हो। और सर PTO भी देख सकते हो, इसमें LPTO GSPTO MSPTO 4 तरह की PTO स्पीड मिल जाती है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, मैं चलो पीछे दिखाता हूँ आपको, चलिए पीछे चलते हैं, उसके बाद और वीडियो कंटिन्यू जब करते हैं। तो जैसे हम पीछे आ चुके, पहले हम पीछे में इसकी स्पीड PTO दिखा देता हूँ।
ये इसकी अलग अलग पीटें मिल जाती है, ठीक है ना। चार तरह की पीटें मिलती है और इसमें फाइबर का टूल बॉक्स मिल जाता है ट्रैक्टर के अंदर, ठीक है ना, जो कि इसका बहुत ही अच्छी जगह कॉन्सेप्ट दिखा रखा है बना करके। और ये भी लोकेबल है, यहाँ पे लॉक लग जाता है इसमें, और इसमें टूल बॉक्स काफ़ी बड़ा दे रखा कंपनी ने। अगर हम बात कर लेते हैं पीछे क्या मिल जाता है ट्रैक्टर के अंदर, तो उसमें देख सकते हो रिफ्लेक्टिंग लाइट के साथ साथ बोतल होल्डर मिल जाती है, नंबर प्लेट के लिए भी कंपनी ने पहले ही प्रोविजन कर रखी है, आपको लग सकता है जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंगल एक्सोलेट वाल्व मिल जाता है ट्रैक्टर का, 2 साल 2000 किलोमीटर की कंपनी गारंटी देती है ट्रैक्टर के साथ। और इसका देख सकते हो रिडक्शन कितना हैवी है पीछे का, जो हब रिडक्शन है, क्योंकि ये पैरेंटेड ड्राइव ट्रैक्टर है। तीन तीन गरारीज की अलग चलती है, एक गरारीज की यहाँ पर है, एक इधर है, इधर एक नीचे की ओर चलती है। तो इसमें 60% ट्रैक्टर पर कम लोड पड़ता है खींचते टाइम। और उसके हम पीटे की बात कर लेते हैं, तो उसकी मल्टी स्पीड पीटे मिल जाती है रिवर्स पीटे के साथ साथ, पीटे एच डी आर लिखी हुई। और उसकी अगर हम लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो 17 क्विंटल लिफ्टिंग कैपेसिटी ट्रैक्टर की है, ठीक है ना। और काफ़ी अच्छी सीट के साथ ट्रैक्टर मिल जाता है, डिजिटल मीटर मिल जाता है प्लस एनालॉग मीटर मिलेगा, इधर देख सकते हो आप। डिजिटल में सिर्फ इसमें घंटे होंगे। तो ट्रैक्टर कैसा लगता है आप कमेंट में जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, चैनल पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू।